हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग। सो नेक्स्ट टॉपिक टू बी कवर्ड इन योर सेकंड यूनिट इज रूल्स फॉर कंपटीशन, मतलब ओलंपिक जो गेम्स हैं उनके लिए क्या क्या रूल्स हैं उसको हम स्टडी करने वाले हैं। एनी एमेच्योर मेल और फीमेल कैन पार्टिसिपेट इन ओलंपिक गेम्स। एमेच्योर मीन्स अबोव आई थिंक 15 ईयर्स आप कह सकते हो या 14 ईयर्स, जो कहीं ना कहीं चाइल्ड नहीं है। सो चाइल्ड को छोड़ के कोई भी एमेच्योर है जो कहीं ना कहीं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, वो ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकता है। रिसेंटली सम प्रोफेशनल हैव ऑल्सो बीन अलाउड इन सम स्पोर्ट्स, और रिसेंटली कुछ प्रोफेशनल्स को भी कुछ स्पोर्ट्स के अंदर हिस्सा लेने के लिए अलाउ कर दिया गया है। नेशनल ओलंपिक कमेटी सेंड सच स्पोर्ट्स पर्सन्स, जो नेशनल स्पोर्ट्स ओलंपिक कमेटी है NOC है, वो ऐसे सदस्यों को भेजती है। Only those sports persons who have been recommended and approved by their national Olympic committee can participate in Olympic games. तो कह रहे कि सिर्फ वही स्पोर्ट्स पर्सन जिनको कहीं ना कहीं रिकमेंड और अप्रूव किया जाता है नेशनल ओलंपिक कमेटी से, ओलंपिक गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट द रूल्स हैव बीन अ बिट रिलैक्स्ड दीज डेज एंड प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन सम गेम्स। पर आज के टाइम पे, नावाडेज जो करंट टाइम है अपना, इसके अंदर जो ये ऐसे रूल्स हैं इनके अंदर रिलैक्सेशन दे दी गई है, और प्रोफेशनल भी बहुत से स्पोर्ट्स के अंदर हिस्सा ले सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ओलंपिक आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, मींस ओलंपिक जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है और उसके आइडियल्स क्या क्या हैं, मतलब क्या क्या मेन बातें हैं, तो उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। सो ओलंपिक आइडियल्स के लिए देखिए, दीज गेम्स आर रिमेम्बर्ड फॉर द बिशप, जो ये गेम्स हैं इनको बिशप के लिए याद किया जाता है। बिशप एक जो देखा कहा है उन्होंने, फेमस सर्मन ऑफ पेनिसिल्वेनिया, जो पेनिसिल्वेनिया है उनका, देखिए जैसे हमारे यहाँ पे भगवान होते हैं, साधु होते हैं, तो वहीं वहाँ वैसे ही वहाँ पे बिशप होते हैं, तो उन बिशप को रिमेम्बर करने के लिए कहीं ना कहीं इन गेम्स को याद किया जाता है या करवाया जाता है उनकी याद में। द इम्पोर्टेंट थिंग इज ओलंपिक इन ओलंपिक इज नॉट टू विन बट टू टेक पार्ट, जो इम्पोर्टेंट थिंग है, सबसे महत्वपूर्ण बात है ओलंपिक के बारे में, वो क्या है, वो जीतना नहीं है लेकिन ओलंपिक के अंदर हिस्सा लेना है। द इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ इज नॉट द ट्रायंफ बट स्ट्रगल, जैसे कि हमारी जिंदगी के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये नहीं है कि हम हर चीज़ के अंदर हमें सक्सेस ही मिले, कि हमें सबसे आगे जाना है, नहीं, स्ट्रगल करना इम्पोर्टेंट है। द असेंशियल थिंग इज नॉट टू हैव कॉन्कर्ड बट टू हैव फोट वेल, ऐसे ही जरूरी है कि हम हर चीज़ को तहस नहस ना करके, मतलब हम उसको अच्छे से कम्पीट करें। जरूरी नहीं है कि हमें हर चीज़ में सफलता ही मिलेगी, पर हमने अच्छे से उसके लिए कम्पीट किया, फोट किया, उसके लिए लड़ाई लड़ी, वो बहुत बड़ी बात है, अहम बात है। सो नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओलंपिक्स, कोबर्टिन एनलिस्टेड फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स विच ही थॉट कुड बी अचीव थ्रू ओलंपिक गेम्स। कोबर्टिन ने कुछ ऑब्जेक्टिव एनलिस्ट किए थे जो उनको लगा कि ओलंपिक गेम्स के थ्रू अचीव किए जा सकते हैं। द फर्स्ट वन, ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड शुड पे अटेंशन टू आर स्पोर्ट कॉम्पिटिशन एंड फिजिकल एजुकेशन। तो पहला तो ये था कि जितनी भी कंट्रीज हैं वर्ल्ड के अंदर, वो कहीं ना कहीं जो स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन है उनकी तरफ ध्यान दे और फिजिकल एजुकेशन पर ध्यान दे, क्योंकि ये भी एक ह्यूमन बॉडी की होल डेवलपमेंट के लिए, एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। द सेकेंड वन, टू एंथ्यूज करेक्टर पर्सनैलिटी सिटीजनशिप क्वालिटीज एंड हेल्थ अमोंग द यूथ, कहीं ना कहीं जो हमारी युवा पीढ़ी है उसके अंदर जो करेक्टर है, पर्सनैलिटी है, सिटीजनशिप क्वालिटीज हैं और हेल्थ हैं, कहीं ना कहीं ये चीज़ें उनके अंदर एंथ्यूज करना, उनके अंदर लाना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव था ओलंपिक का। थर्ड वन, टू इनकुलकेट गुड हैबिट्स अमंग स्पोर्ट्स पर्सन सो दैट दे मे लीड अ हेल्दी एंड प्रोस्परस लाइफ, कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनके अंदर अच्छी आदतों को डालना ताकि वो अपनी जिंदगी को एक हेल्दी और प्रोस्परस वे के अंदर जी सके। फोर्थ वन, टू डेवलप अ सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म एंड फेटर्निटी अमंग स्पोर्ट्स पर्सन, कहीं ना कहीं जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनके अंदर देशभक्ति की भावना को लाना। द फिफ्थ वन, टू एनकरेज इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी एंड पीस,
जो इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी और पीस है, मतलब विश्व शांति और भाईचारे की भावना को कहीं ना कहीं इनक्रीज करना। द लास्ट वन, टू एंड डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, रेस एंड रिलीजन। कहीं ना कहीं जो जातिवाद है, रंग भेद है और धर्म के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, उसको समाप्त करना। तो ये सभी ओलंपिक्स के कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव थे। ना वैल्यू ऑफ ओलंपिज्म, कि जो ओलंपिज्म है उसकी वैल्यू क्या है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। इफ वी एग्जामिन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओलंपिक गेम्स फॉर्म बाय कोबर्टीन, कि अगर हम जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं ओलंपिक गेम्स के लिए कोबर्टीन ने, अगर उनको एग्जामाइन करते हैं, स्टडी करते हैं ध्यान से, वी इमिडिएटली कम टू अंडरस्टैंड दैट ही वॉन्टेड टू अचीव दीज वैल्यूज थ्रू दिस ओलंपिक मूवमेंट, एंड दैट वॉज द रीजन वाई ही वॉज सो डीपली इन्वॉल्व विद इट एंड मेड सच एन आउटस्टैंडिंग एफर्ट टू ऑर्गेनाइज दिस। तो हमें वहां से ये पता लगता है, हम समझते हैं कि वो चाहता था कि जो ये वैल्यूज हैं ओलंपिक मूवमेंट के थ्रू, कहीं ना कहीं इनको अचीव करना चाहता था, और यही मेन रीजन था जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो चाहता था कि जो ओलंपिक गेम्स हैं वो हो, और उसके लिए उसने इतने ज़्यादा एफर्ट किए। इनफैक्ट सम ऑफ द बिलो मेंशन्ड वैल्यूज कैन बी अचीव थ्रू दिस मूवमेंट। तो नीचे कुछ वैल्यूज दी हुई हैं जिनको हम इस ओलंपिक मूवमेंट के थ्रू अचीव कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज फ्रेंडशिप। तो देखिए, एंटायर ओलंपिक मूवमेंट इज फुल ऑफ सच अपॉर्चुनिटीज अपॉर्चुनिटीज विच आर नॉट ओनली कन्फाइंड टू फॉस्टरिंग फ्रेंडशिप अमंग द पार्टिसिपेंट्स बट ऑल्सो अमंग द पार्टिसिपेटिंग नेशंस एज वेल। तो ओलंपिक मूवमेंट के ऐसे अंदर ऐसी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं जिसके अंदर सिर्फ जो मतलब कहीं ना कहीं दोस्ती को बढ़ावा देती हैं, सिर्फ पार्टिसिपेंट के अंदर ही नहीं बल्कि जो कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं उनके अंदर भी, मतलब कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप की जो भावना है, दोस्ती की भावना है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर फैलती है। मतलब दोस्त बनते हैं, देश भी दोस्त बनते हैं और जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो भी दोस्त बनते हैं। ड्यूरिंग ओलंपिक गेम्स पार्टिसिपेंट्स गेट क्लोजर टू ईच अदर, और ओलंपिक गेम्स के दौरान जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो हिस्सा ले रहे हैं वो एक दूसरे करीब आ जाते हैं। दे लिव टुगेदर एंड दस इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड बिकम फ्रेंड्स। वे एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और कहीं ना कहीं ऐसे वो दोस्त बन जाते हैं, फ्रेंड बन जाते हैं। दस ओलंपिक मूवमेंट प्रोवाइड सेवरल सच अपॉर्चुनिटी दैट ब्रिंग द नेशंस एंड देयर पीपल टुगेदर। तो ओलंपिक जो मूवमेंट है बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज लेके आती हैं जो दो देशों को या फिर बहुत से देशों को और उनके लोगों को साथ लेके आती है, पास लेके आती है। द सेकेंड वन इज सॉलिडेरिटी। तो इसके अंदर देखिए, इट इंक्रीजिज अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप सेंस ऑफ सॉलिडेरिटी। ये मतलब उस अपॉर्चुनिटी को इंक्रीज करती है जो हमारे के अंदर सॉलिडेरिटी की सेंस को डेवलप करता है। सॉलिडेरिटी मतलब डटकर सामना करना। इट इनकुलकेट्स फीलिंग ऑफ यूनाइटी एंड ब्रदरहुड अमंग ऑल द नेशन। साथ ही साथ ये क्या करता है, जो यूनिटी है और ब्रदरहुड है उसकी फीलिंग को कहीं ना कहीं इनकुलकेट करता है नेशंस के अंदर, भाईचारे की और एकता की भावना को। इट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी ऑफ कोहेजन अमंग द पार्टिसिपेटिंग नेशंस। और कहीं ना कहीं देश आपस में मिलकर काम करें इस चीज की भावना को भी कहीं ना कहीं पार्टिसिपेटिंग नेशंस के अंदर डालता है। द थर्ड वन इज फेयर प्ले। ओलंपिक मूवमेंट ऑल्सो इनकुलकेट स्पिरिट ऑफ फेयर प्ले। जो ओलंपिक मूवमेंट है वो फेयर प्ले की स्पिरिट को कहीं ना कहीं हर किसी के अंदर एनहेंस करती है। फेयर प्ले इज ऑलवेज बेस्ड ऑन जस्टिस। जो फेयर प्ले है वो जस्टिस पर कहीं ना कहीं बेस है। देयर शुड ऑलवेज बी फेयर प्ले विद द टीम्स एज वेल एज द कॉम्पिटिटिंग इंडिविजुअल्स। तो हमेशा ही जो भी टीम्स हैं और जो कॉम्पिटिटिंग इंडिविजुअल्स हैं उनके अंदर फेयर प्ले होना चाहिए। गेम है जो अच्छी भावना के साथ होना चाहिए। फेयर प्ले का मतलब ये है कि कोई चीटिंग ना हो, अच्छे से गेम को खेला जाए। देर शुड नॉट बी एनी फेवर विद एनी इंडिविजुअल और टीम। किसी भी टीम और इंडिविजुअल को कोई फेवर नहीं मिलना चाहिए। रूल्स एंड रेगुलेशन मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलोड विदाउट एनी फियर और फेवर
आइदर टू एन इंडिविजुअल और एनी टीम, जो रूल्स और रेगुलेशन है उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना चाहिए, चाहे किसी इंडिविजुअल के लिए हो चाहे किसी टीम के लिए हो। बट हेयर लाइज अ योनिंग गैप बिटवीन द एटीट्यूड ऑफ ऑफिशियल एंड देयर बिहेवियर टूवार्ड्स द पार्टिसिपेंट। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक गैप है जो ऑफिशियल के एटीट्यूड में और बिहेवियर में है पार्टिसिपेंट्स के लिए। नाउ डेज ऑल दैट मैटर्स इज अ विन बाय दिस वे और दैट वे। तो आज के टाइम पे क्या है कि सिर्फ एक ही चीज़ मैटर करती है कि चाहे इस तरीके से चाहे उस तरीके से जीतना ही महत्वपूर्ण रहता है। स्टे आउट फॉर स्पोर्ट्स एंड स्टे आउट ऑफ कोर्ट्स, कि स्पोर्ट्स से दूर रहो और कोर्ट से भी दूर रहो, एंड लीव बाय कोड और गेट आउट, जो कोड है उसके थ्रू जियो या फिर बाहर जाओ। दिस स्लोगन्स हैव बिकम रिडंडेंट एंड यू वॉन्ट फाइंड एनी वेयर दिस स्लोगन एग्जिस्टिंग प्रैक्टिकली। ये स्लोगन अब कहीं ना कहीं स्लोगन ही बन के रह गए हैं, अब वास्तविकता नहीं रहे हैं। ओलंपिक मूवमेंट हैज़ नॉट बीन सक्सेसफुल इन दिस रिस्पेक्ट और एट ऑल। तो फेयर प्ले की भावना में कहीं ना कहीं जो ओलंपिक मूवमेंट है वो फेल हो गई है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन।